बलरामपुर से युगल किशोर शुक्ल, पत्रकार की रिपोर्ट। बलरामपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नाविकों एवं गोताखोर का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। बरसात का मौसम आते ही जहां प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नदियों ने कटान शुरू कर दिया है और कई जगहों पर हादसे भी हो चुके हैं। बलरामपुर जनपद में भी राप्ती नदी विगत वर्षों तबाही मचाए है। इसको लेकर आज बलरामपुर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में कलेक्टरेट सभागार में नाविकों व गोताखोरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राज्य आपदा मोचक बल SDRF की टीम ने नाविकों व गोताखोरों को बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी श्रुति ने किया। उद्घाटन सत्र के दौरान पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी बलरामपुर अरुण कुमार गौर, उत्तरोला के उप जिलाधिकारी नागेंद्र नाथ यादव, रोहित कुमार मौर्य, तहसीलदार तुलसी तुर्केजी त्रिपाठी, पुलिस उपाधीक्षक बलरामपुर व उत्तरोला मौजूद थे। सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन सलाहकार सचिन मदान ने SDRF टीम के सदस्यों का परिचय कराया। SDRF प्लाटून कमांडेंट श्याम बाबू ने कहा कि जागरूकता से व थोड़ी सावधानी बरतकर कई जाने बचाई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा में सर्च एंड रेस्क्यू का कार्य SDRF करती है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर 112 डायल करने पर उनके बल का सहयोग लिया जा सकता है। टीम के अन्य सदस्य राहुल चैरसिया ने बताया कि हर वर्ष बाढ़ से उत्तर प्रदेश का लगभग 22% क्षेत्रफल प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पूर्व कई तैयारियां करने की आवश्यकता होती है। उपस्थित लोगों को उन्होंने विभिन्न सामानों से राफ्ट बनाना सिखाया। SDRF सदस्यों द्वारा जेरिकेन, स्कूटर व मोटरसाइकिल के ट्यूब, थमाकुल, बोतल आदि से राफ्ट बनाने का प्रदर्शन किया गया। लोगों को बताया गया कि डूबते हुए व्यक्ति को बचाते समय कई सावधानी न बरतने पर बचाने वाले की जान को भी खतरा हो सकता है। डूबते व्यक्ति की पकड़ से दूर रहकर तथा उसके पीछे से जाकर उसे बचाना चाहिए। रस्सी आदि फेंक कर भी तैराक डूबते व्यक्ति को अपने से दूर रखकर बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नाव में उसकी क्षमता से अधिक व्यक्ति बैठाने की गलती न करें। अपनी क्षमता को पहचान कर ही रेस्क्यू कार्य करना चाहिए। यदि आसपास और लोग हों तो उन्हें सहायता के लिए पुकारना चाहिए। स्थानीय गोताखोरों को भी सुरक्षित गोताखोरी के टिप्स दिए गए। इसके बाद टीम के सदस्य ऋषि कुमार ने प्राथमिक चिकित्सा व CPR के बारे में जानकारी दी। उपस्थित लोगों को हड्डी टूटने, कटने, जलने, डूबने से शरीर में पानी घुसने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी दी गई। मरणासन व्यक्ति को CPR देने की विधि के बारे में डमी के साथ जानकारी दी गई। टूटती सांसों को पसलियों पर पंप करके व मुंह में हवा डालकर वापस लाया जा सकता है। समापन सत्र को संबोधित करते हुए आपदा प्रबंधन सलाहकार श्री सचिन मदान ने कहा कि वैसे तो नाविकों व गोताखोरों को अपने कार्य की बेहतर जानकारी है, लेकिन SDRF द्वारा दी गई जानकारी से उनके ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी। उत्तरोला के उप जिलाधिकारी नागेंद्र नाथ यादव ने कहा कि प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारियों का पूरा लाभ सभी को लेना चाहिए। SDRF द्वारा बेहद प्रभावी ढंग से सभी जानकारियां दी गई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रशिक्षण का लाभ जिलावासियों को जरूर मिलेगा।